सबसे पहले हमें दिया है, अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी चार वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हों। हम देखते हैं हमारे आसपास बेंच होते हैं विद्यालय में भी और घर में भी। यदि हम इसके अगले भाग को देखें और इसके दो भाग करें तो वो इस प्रकार बनेंगे, जिसमें दायां भाग और बायां भाग एक जैसे हैं, इसीलिए खींची गई रेखा सममित रेखा है। उसके बाद हम अपने कक्षा कक्ष में देखते हैं ब्लैक बोर्ड को। यहाँ पर हम इसकी किस प्रकार से सममित रेखा खींच सकते हैं। सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन को लेते हैं जो इसे दो भागों में बांटती है। इसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, वह भी इसे दो भागों में बांटती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड की दो सममित रेखाएं हो सकती हैं। उसके बाद हम कैंची को देखते हैं। यदि हम एक वर्टिकल लाइन को लें तो वह इसे दो समान भागों में बांटती है, तो यह रेखा इसकी सममित रेखा होगी। उसके बाद हम बल्ब को लेते हैं। यदि हम बल्ब के बीचों बीच दो भाग करें जो एक वर्टिकल लाइन के द्वारा होंगे, हम दाएं भाग और बाएं भाग को देखें तो दोनों ही भाग बराबर हैं, हम कह सकते हैं यह सममित रेखा है। उसके बाद हमें दिया गया है कि दो हमारे पास रेखाएं हैं L1 और L2। हमें बताना है दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा है, L1 या L2। सबसे पहले हम L1 को लेंगे। हम यहां देखते हैं कि L1 रेखा द्वारा जो दो भाग बनाए गए हैं उनमें ऊपर का भाग और नीचे का भाग बराबर नहीं है, परंतु यदि हम L2 रेखा को लें उसके द्वारा बनाए गए भाग बराबर हैं, बायां भाग और दायां भाग दोनों ही एक दूसरे के समान हैं, हम कह सकते हैं कि L2 एक सममित रेखा है। उसके बाद हमें कुछ आकृतियां दी गई हैं, हमें उनकी पहचान करनी है और जांच करनी है क्या ये आकृतियां सममित हैं या नहीं, और यदि वे सममित हैं तो उनकी सममित रेखा हमें बनानी है। सबसे पहले हमें एक ताला दिखाया गया है, उसके बाद आप इसे एक गिलास कह सकते हैं, एक आकृति हमें दिखाई गई है जो आप देख सकते हैं, उसके बाद एक टेलीफोन है, एक और आकृति है और अंत में हमारे पास एक पंचभुज है। हमें पहचान करनी है कि इनमें से कौन कौन सी सममित आकृतियां हैं और यदि आकृति सममित है तो उसकी सममित रेखा हमें खींचनी है। सबसे पहली आकृति में यदि हम इस प्रकार एक रेखा खींचें तो देखेंगे कि बायां भाग और दायां भाग दोनों ही बराबर हैं, इस प्रकार यह एक सममित रेखा होगी। इसी प्रकार हम दूसरी आकृति में सममित रेखा को खींच सकते हैं जिससे बायां भाग और दायां भाग दोनों ही बराबर होंगे। यदि हम इस प्रकार तीसरी आकृति में कोई रेखा खींचते हैं, हम देखेंगे कि इसके दोनों भाग बराबर नहीं हैं, हम कह सकते हैं कि यह सममित रेखा नहीं होगी और यह आकृति सममित आकृति नहीं है। उसके बाद हम टेलीफोन में इस प्रकार से एक सममित रेखा खींच सकते हैं जिसके द्वारा हम दाएं और बाएं भाग को बराबर दर्शा सकते हैं। उसके बाद हम अगली आकृति में हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इसे दो समान भागों में बांट सकते हैं और कह सकते हैं कि यह एक सममित आकृति है जिसकी सममित रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यदि हम पंचभुज की बात करें तो इस प्रकार हम उसे दो समान भागों में बांट सकते हैं और दर्शाई गई रेखा सममित रेखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगले प्रश्न में हम किस प्रकार सममित रेखा दी हुई हो तो आकृतियों को बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार हम आकृतियों को पूरा कर सकते हैं यदि हमें सममित रेखा दी हुई हो। निम्न आकृतियों को इस प्रकार पूरा कीजिए कि बिंदुकित रेखा ही सममित रेखा हो। यहाँ हमें दो आकृतियाँ दी हुई हैं। सबसे पहले इस आकृति को हम देखें, यदि यहाँ पर हमारे पास एक बिंदुकित रेखा है, रेखा की एक तरफ हमें इस प्रकार की आकृति दी हुई है और हमें दूसरी तरफ इसी प्रकार की आकृति बनानी है ताकि यह बिंदुकित रेखा हमारी सममित रेखा हो जाए। हमें पता है कि सममित रेखा
आकृति को दो समान भागों में बांटती हैं। जिस प्रकार की आकृति दाईं तरफ बनी है, इसी प्रकार की आकृति हमें बाईं तरफ बनानी है। यदि हम इस बिंदु को देखें, इस सममित रेखा से एक और एक दो वर्गों के बाद यह बिंदु है। यदि हम इस रेखा के दूसरी तरफ भी एक बिंदु लगाएं दो वर्गों के बाद और उसको इन बिंदुओं से मिला दें, तो देखिए हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। या हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं, उसके बाद हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे, तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं कि बिंदु की रेखा के दोनों तरफ की आकृतियां समान हैं और इस पूरी आकृति को इस रेखा ने दो समान भागों में बांटा है, तो हम कह सकते हैं कि यह सममित रेखा है और इसके दूसरी तरफ इसी प्रकार की आकृति बनेगी। अब हमें इस दूसरी तरफ की आकृति की इस सममित रेखा के नीचे की ओर इसी प्रकार की आकृति बनानी है जिस प्रकार की आकृति हमारी इस रेखा के ऊपर की ओर है। हम देखते हैं कि रेखा के ऊपर की ओर दो वर्गों के बाद एक बिंदु है। यहाँ भी हम दो वर्गों के बाद एक बिंदु लगाएंगे, उसके बाद हम इस तरफ चले हैं और एक बिंदु हमारा इस तरफ है। उसके बाद हम ऊपर की ओर गए हैं इस रेखा से दूर। हम इस बिंदु से नीचे की ओर आएंगे इस रेखा से दो वर्ग दूर। उसके बाद इस तरफ हमें चलना है और यहाँ हमारे पास ये बिंदु आएगा। उसके बाद हम रेखा की ओर आए हैं नीचे की ओर और इस बिंदु से रेखा की ओर हम जाएंगे, यहाँ हमारे पास बिंदु आएगा। उसके बाद हमें इस बिंदु को इस रेखा से मिलाना है। इसी प्रकार यहाँ पर हम यदि आकृति बनाएं तो सबसे पहले हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें इस प्रकार एक रेखाखंड लेना है इन वर्गों को मिलाते हुए। अब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे, उसके बाद इस प्रकार हम इसे मिलाएंगे, उसके बाद हमें इन बिंदुओं को मिलाना है और इस बिंदु से हमें इस एंड पॉइंट को मिलाना है जो हमारा सममित रेखा पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं रेखा के ऊपर की ओर और रेखा के नीचे की ओर की आकृतियां दोनों ही समान हैं और यह हमारी सममित रेखा है। अब हम कुछ और आकृतियों की सममित रेखा का अध्ययन करेंगे। हमें सममित रेखा दी हुई है और सममित रेखा के एक तरफ इस प्रकार की आकृति है। हमें दूसरी तरफ भी आकृति इस प्रकार बनानी है कि ये जो बिंदु की रेखा है ये हमारी सममित रेखा हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक रेखाखंड दिया हुआ है। आप यहाँ से इसी प्रकार इस बिंदु की रेखा से दूरी बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे, उसके बाद आप इसे इस प्रकार मिलाइए, उसके बाद दो वर्गों के बराबर दूरी यहाँ से इस प्रकार लीजिए, उसके बाद हम इसे मिलाएंगे, यदि आप कागज पर इस तरह की आकृति को बनाकर उसकी कटिंग करके देखेंगे तो आप इसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या यह सममित रेखा है। देखिए इसे हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक और कागज़ की शीट पर मैंने इसी प्रकार की आकृति बनाई है और यदि हम इस कागज़ को फोल्ड करके उसे कटिंग करते हैं और इस कागज़ को हम खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे को इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। और यदि हम इसे इस आकृति पर रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर बिंदु मिलाए हैं उनको मिलाने से इसी प्रकार की आकृति हमारी बनेगी, क्योंकि यदि हम इस आकृति को फोल्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि आगे के भाग ने पीछे के भाग को पूरी तरह से ढक लिया है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो बिंदु की रेखा है वो हमारी सममित रेखा है। इसके बाद हम
अगले भाग को करते हैं। यहाँ हमें दो वर्गों के बीच में से एक रेखाखंड दिया हुआ है। यदि हम यहाँ भी इसी प्रकार एक रेखाखंड बनाएं, जिसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। उसके बाद हम देखते हैं इसे हमें इस तरफ लाना है, तो हम इस रेखा को उस तरफ लेकर जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि इस बिंदु की रेखा से एक वर्ग के बाद हमें इस तरह से एक रेखाखंड लगाना है, जो हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद हमें रेखा की तरफ जाना है, और आप देखेंगे इस प्रकार बनाने के बाद जो आकृति हमारी बनी है वो इस बिंदु की रेखा के बाईं ओर और दाईं ओर के भाग दोनों ही बराबर हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि बिंदु की रेखा हमारी सममित रेखा है। यदि हम इस भाग को लें, दोनों में हमारा अंतर क्या है, इस बिंदु की रेखा के दो वर्गों के बाद हमने मिलाया था, यहाँ पर बिंदु की रेखा के एक वर्ग के बाद हमने ऊपर की ओर मिलाया है, इसीलिए हम इस भाग में एक वर्ग के बाद ही एक बिंदु लगाएंगे और उसे ऊपर की ओर मिलाएंगे। हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। उसके बाद हमें पहले वाले भाग की तरह इसे नीचे की तरफ लाना है, और उसके बाद हमें इसे बिंदु की रेखा की ओर लेकर जाना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इस बिंदु की रेखा के दोनों तरफ की आकृति हमारी बराबर है, तो हमारी जो बिंदु की रेखा है वह सममित रेखा होगी। अब हम इस भाग को यदि देखें तो हमें ये बिंदु की रेखा दी हुई है, नीचे की ओर हमारे को एक आकृति दी हुई है। हमें इस बिंदु की रेखा के ऊपर की ओर इसी प्रकार की आकृति बनानी है, ताकि यह रेखा हमारी सममित रेखा हो जाए। हम देखते हैं कि इस बिंदु से हम इस तरफ चले हैं, तो यहाँ से हम जब यहाँ मिलाएंगे, क्योंकि इस रेखा के दो वर्गों के बाद यह बिंदु है, तो इस रेखा के दो वर्गों के बाद एक बिंदु लेंगे। उसके बाद ये बिंदु जो हमारा है, यहाँ से यदि हम देखें, एक दो तीन चार वर्गों के बाद है, तो यहाँ से एक दो तीन चार वर्गों के बाद एक बिंदु हम लगाएंगे। एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ से जब हम देखेंगे एक दो तीन, तीन वर्गों के बाद हमारे पास इस प्रकार से बिंदु होगा। अब हम इन बिंदुओं को यदि मिलाएं, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं, किस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होगी। पहले हमने इन बिंदुओं को मिलाया, उसके बाद इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं, इन्हें हमने मिलाया, और अंत में हम इसे इस प्रकार मिलाएंगे। आप देखेंगे कि इस बिंदु की रेखा के ऊपर की ओर और नीचे की ओर आकृति बिल्कुल एक जैसी है। यदि आप कटिंग करके इसे मोड़ेंगे बिंदु की रेखा से, तो आप देखेंगे कि एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि दी हुई बिंदु की रेखा हमारी सममित रेखा है। अब हम इस आकृति को लेते हैं, ये हमारी बिंदु की रेखा है, जिसके एक तरफ हमें इस प्रकार की आकृति दी हुई है, इस तरफ भी हमें इसी प्रकार की आकृति बनानी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से इस वर्ग के बीचों बीच एक रेखाखंड है, तो हम यहाँ भी इसी प्रकार से एक रेखाखंड लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यदि हम इन्हें मिलाते हैं, तो ये छोटा भाग जो है हमारा बिंदु की रेखा के दोनों ही तरफ एक जैसा है। यदि हम इसे मोड़े तो ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अब हमें इस प्रकार का भाग बनाना है। सबसे पहले हम इस बिंदु को मिलाएंगे, उसके बाद इस बिंदु को, यहां से इस बिंदु को मिलाइए, उसके बाद हम इस बिंदु को मिलाएंगे, और अंत में हम इन्हें इस प्रकार मिलाएंगे। अब यदि आप कटिंग करने के बाद इस भाग को इस भाग के साथ जोड़ेंगे, तो एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेगा,
और आप कह सकते हैं कि दी हुई बिंदु की रेखा हमारी सममित रेखा है। अब हमें दिया हुआ है कि नीचे दी हुई आकृति में L सममित रेखा है, इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। हमें ये बिंदु की रेखा दी हुई है जिसका नाम L है और हमें इसे सममित रेखा मानते हुए आकृति को पूरा करना है। इस रेखा के दोनों ही ओर आकृति एक जैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें इस रेखा को नीचे की ओर लाना होगा। यदि हम इसकी ऊंचाई देखें तो देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर है और हम इसे बिल्कुल सीधा करते हुए 4 सेंटीमीटर नीचे की ओर लाते हैं। उसके बाद हम इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा लेंगे। आप देखेंगे कि हमने जिस प्रकार की आकृति बिंदु की रेखा के ऊपर है उसी प्रकार की आकृति नीचे की तरफ बना ली है, जिससे हम कह सकते हैं कि L हमारी एक सममित रेखा है। एक प्रश्न और हमें दिया है, आकृति में L सममित रेखा है, त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें एक त्रिभुज दी हुई है और ये हमारी L है बिंदु की रेखा। हमें इसे सममित रेखा मानते हुए आकृति को पूरा करना है। जिस प्रकार की आकृति हमें इस तरफ दी गई है उसी प्रकार की इस तरफ बनानी है और जो ये हमें इस तरफ दी है बाएं ओर उसे हमें दाएं ओर बनाना है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज को बनाएंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पर बिंदु की रेखा से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा इसका शीर्ष है और हम यहाँ से 8 से 4 सेंटीमीटर इधर लेंगे और यहाँ भी हमारे पास 8 से 4 सेंटीमीटर दूर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर था। उसके बाद हम इस बिंदु को देखेंगे जो हमें 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिया हुआ है। हम 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक और बिंदु लगाएंगे। इसी प्रकार हम इसके सामने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु और लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमारे पास बाईं ओर के दिए हुए रेखाखंड के समान ही रेखाखंड बनेगा। उसके बाद यदि हम इस बिंदु को इस बिंदु से और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं तो हमारे पास वही त्रिभुज बन जाती है जो हमें दी हुई थी। इस बिंदु की रेखा के बाईं ओर और बिंदु की रेखा के दाईं ओर की आकृति हमारी एक समान है। यदि आप कटिंग करके इसे मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे भाग को पूरी तरह से ढकेंगे, जिससे कि हम कह सकते हैं L हमारी सममित रेखा है।